पहले ये बता डैड और मॉम स्टेशन में क्या कर रहे थे? कहीं डैड ने मेरा भांडा तो नहीं फोड़ दिया? वो मुझे नहीं पता, मेरा काम था तुझे घर पहुंचाना। ले आगे तेरा घर। इतने यार चल ना कॉफी पीते हैं। नहीं यार, माँ आ गई और मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं फंस जाऊंगा। तू माँ से कितना डरता है यार, तू बहुत बड़ा डरपोक आदमी है। अच्छा ये तू बोल रहा है, चल ठीक है मैं माँ से मिलता हूँ और सब बता कर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं तू जा रहा था ना? वही ठीक है, तू निकल, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक बाय। पता नहीं ये नालायक पहुंचा है या नहीं। मॉम डैड अब आगे। माँ आप डैड और मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो, आपके बिना हम दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, है ना? वी मिस्ड यू मॉम, वी रियली मिस्ड यू। अर्जुन क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है ना? हाँ तो अर्जुन भी आ गया, सब ठीक है। विनय, विनय कहाँ है? विनय, विनय वो तो अपने घर पे है ना, उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे, इसलिए तो मैं वापस आ गया। हाँ तो हमारे घर में भी एक मेहमान आ गया है। अच्छा तो आप लोग मेहमान को लेने स्टेशन गए थे? अरे बेवकूफ डैड, ये आपने ठीक नहीं किया। मेहमान अब तक सामान समेत बाहर खड़ा है और आप हैं कि सूटकेस तक अंदर नहीं ला सकते थे। माँ मुझे आप अपने काम सौंपा करो, मैं देखो अभी करके आता हूँ। रंका तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिया तुम इसलिए जाती हो? हाँ आंटी, पैंट्री का बॉय, ये तो मेरे साथ ट्रेन में था। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो विनय के घर पे था। ये ट्रेन में क्या बोल रही है, और ये रंगा कौन है? मैं कोई रंगा को नहीं जानता। हो सकता है माँ कि वो मेरा हमशक्ल हो। हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम ही हो। अरे क्या माँ? हाँ माँ। कहाँ गए तुम रैली में मेरे मना करने के बाद भी? माँ सच कहूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती डैड की है। ओए, मैंने कहा था रैली में जाने के लिए। हाँ माँ, पहले तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर कहने लगे बड़ी मुश्किल से तो 4 दिन की आजादी मिली है, ले तू मजे कर और मुझे भी ऐश करने दे। माँ तुम घर छोड़ के जाया मत करो, पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। मुझे क्या हो जाता है ये बोल, तुझे क्या हो जाता है? डार्लिंग जब तुम गई ये अपना सामान लेकर मेरे पास आया और कहने लगा तुमने इसे रेस में जाने की इजाजत दे दी है, मुझे नहीं लगता कि तुमने दी होगी। अर्जुन तूने फिर अपनी माँ का दिल दुखाया। पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। दिया चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, चलो डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग देखा अच्छी बड़ी फैमिली का टीवी सीरियल बना दिया, मजा आया? लिसन मुझे नहीं पता था इतने प्रॉब्लम हो जाएंगे, I'm sorry, पर मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ जानता हूँ, पर हुआ तो तुम्हारी वजह से ना, अब बेचारे डैड को गार्डन में सोना पड़ेगा। I'm sorry. ठीक है, it's okay. Hi, I'm Dia. ये सब होने के बाद सोचना पड़ेगा। डैड मेरी बात तो सुन। डैड सब ठीक तो है ना? सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल। ओके तेरी माँ मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अंकल आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। हाँ नहीं नहीं देखो बेटा, इस घर में रहना है तो अपना इल्जाम दूसरों के सर पे डालना सीखो, जैसे ये करता है। दिया अभी तक तुम वहां हो, आ जाओ ना। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त मल्होत्रा साहब की बेटी है। डैड मेरे पास एक आइडिया है। ए माँ को मनाने का। क्या बोल? क्या नंबर? माँ I'm really very 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 sorry माँ, सच अंदर से कभी नहीं होगा। हर बार तुम यही कहते हो अर्जुन, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा रैली में जाना मुझे पसंद नहीं, फिर भी तुम जाते हो। जाओ करो जो जी में आए। सच रियली माँ? मजाक कर रहा हूँ। देखो माँ हम उन्हीं से मजाक करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, और मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी मुझसे थोड़ा सा प्यार करती है ना? चुप मस्का मत लगा अभी। लव यू माँ। लव यू बेटा। माँ बाय द वे अगर आपके दिल में अब भी छोटी मोटी सी थोड़ी सी जगह पड़ी हो
जरा इनको भी माफ कर दो, ये भी क्या याद रखेंगे। अर्जुन बदमाश। यू आर द बेस्ट मॉम। सिचुएशन इज नाउ टोटली अंडर कंट्रोल। सॉरी नहीं, आ जाओ बेटा आ जाओ। आंटी पापा ने कॉफी भेजी है हमारी प्लांटेशन की। थैंक यू बेटा। अंकल आज सुबह जो कुछ हुआ नहीं बेटा, इन दोनों से जरा भी हमदर्दी मत जताओ, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और आप हमेशा माफ कर देते हो। देख अर्जुन, दिया यहाँ एग्जाम देने आई है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपना मजाक शुरू करो और इसे परेशानी हो, समझे? करने दीजिए आंटी, जवाब हमें भी देना आता है। चलो कोई तो मिला इसे जवाब देने वाला। You wanna bet? Bet. Hey, no betting in my house. Hey, तूने फिर अपनी माँ का दिल दुखाया? Get out. Get out. कदारी. Get out. बेटे आप बैठो। नहीं, मुझे भी पढ़ाई करनी है। Good night, आंटी. Good night. Good night, uncle. Good night. पता नहीं वो कब सीरियस होगा। मैं तो चाहूँगा कभी ना हो। आपकी तरह। Darling. जिम्मेदारियों का एहसास होने के लिए सीरियस होना जरूरी नहीं है, वो हंसते खेलते भी निभाई जा सकती हैं। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा? हर चीज का वक्त होता है। अगर तुम उसे फोर्स करोगी तो हो सकता है वो उस चीज से दूर भागने लगे। जब समझना होगा खुद ही समझ जाएगा। हेलो। यस। अरे मल्होत्रा साहब, कैसे हैं जनाब? अरे बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये तो बताओ, दिया पहुँच गई ना? दिया ठीक ठाक पहुँच गई है भाई, ये सब मुझे नहीं मालूम। लो मीनाक्षी से बात करो। हेलो, नमस्ते भाई साहब। जी बिल्कुल ठीक हो। हम लोग गए थे उसे लेने के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है। थैंक गॉड। अच्छा भाई साहब, आपने दिया को अर्जुन की फोटो दिखाई? जी नहीं, उसने तो फोटो देखने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, अब दिया आ गई ना, अच्छा है, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम इसी तरह खेलते रहे ना तो 100% we'll win the competition. अपनी ये ट्रॉफी। पर अर्जुन, they are not bad, हाँ? Yeah, this guy seems to be good, man. Good, but not the best, huh? Yeah. Hey, 1, 2, 3, 4. Final team, please. Final team. Vinay, AV, Manu, and substitute. Substitute तो नहीं हमारे पास। और जरूरत भी नहीं है हमको substitute. According to the rules, team makes substitute होना चाहिए। अब कहाँ से लाए यार? Formality है पर जरूरी है, you know? सर अगर formality है तो आप अपना ही नाम लिख दीजिए ना। Hey, come on यार, be serious. Excuse me. इतना जरूरी है तो मेरा नाम लिख लीजिए। दिया तुम? नहीं। Of course. सिर्फ नाम ही तो लिखवाना है। So, दिया, right? दिया बेटा, तुमने भी अपना नाम कॉम्पिटिशन में लिखवा दिया? नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो। आंटी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अंकल और अर्जुन हमेशा आपको ऐसे ही तंग करते हैं? इससे भी ज़्यादा। पहले तो शरारत करते हैं और फिर उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। मुझे लगता है मेरे एक नहीं दो दो बच्चे हैं। और वैसे भी माँ तो होती है ना सताने के लिए। हाँ, होती है। और तुम चाहो तो तुम भी मुझे सता सकती हो, लेकिन थोड़ा, वरना तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो उन दोनों को मिलती है। ओह ईशा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अर्जुन क्या देख रहे हो? लेकिन तुम यहाँ मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। अर्जुन एक बात पूछनी है तुमसे। क्या है? कल अगर कल अगर
कंपटीशन में कंपटीशन में क्या? अगर तुम, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, पर कहीं तुम हार गए तो? हार? प्यार और हार अर्जुन की डिक्शनरी में नहीं है, ओके? वो तो ठीक है, पर फिर भी सोचो, बाय चांस, अगर तुम हार गए तो? अरे ऐसे कैसे हार सकते हैं? हमारी इज्जत का सवाल है। तुम लड़कों के लिए हर बात इज्जत का सवाल होता है, क्यों? देखो, इस वक्त मैं कमाल की सस्पेंस पिक्चर देख रहा हूँ। तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। ये पिक्चर तो मैंने देखी है। इसमें तो काजोल ने मर्डर किया है। हाँ देखना चाहती हूँ। ये।